ये डिफरेंस समझ लो आप एडमिशन एजेंट के पास जाते हो वो आपको कौन से यूनिवर्सिटी में कितना खर्चा इसी के ऊपर आपका फोकस होता है वहां पे फोकस मत डालो क्योंकि सौ बच्चे जाते हैं तो अस्सी फेल होते हैं एग्जिट एग्जाम में और वो यहीं पे इंडिया में बैठे हुए पंद्रह बीस हजार रुपए कमाते हुए आप लाइसेंस डॉक्टर बनना चाहते हो लाइसेंस फिजिशियन बनना चाहते हो तो आपको इंडिया की नेक्स्ट एग्जाम पास करनी ही पड़ेगी ठीक है एन एम का रेगुलेशन है चाहे आप इंडिया में पढ़ो चाहे आप अब्रॉड में पढ़ो आपको नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर क्वालिफाई करना ही पड़ेगा इसका मतलब है आपका करियर तभी शेप लेगा जब आप एंटर अच्छी यूनिवर्सिटी में करते हो उस लाइसेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और फिर एग्जिट होते हो सक्सेसफुली बाय क्वालिफाइंग नेशनल एक्सिट टेस्ट तो क्या आप एंटर होके आपका भविष्य बन जाएगा नहीं बनेगा आपको इसीलिए मोक्ष आपको दो ऐप आप दे रहा है मोक्ष करियर प्लानर आपको एंटर करवाएगा टू द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस और मोक्ष एकेडमी ऐप है दोनों ऐप आप आपके प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है आप डाउनलोड अब्स भी कर सकते हो मोक्ष एकेडमी ऐप आप आपको एग्जिट करने का गारंटी देता है इसमें आपके पूरे नेशनल मेडिकल कमीशन के यू नो you know, 19 सब्जेक्ट्स है वो पूरे 19 सब्जेक्ट्स की फुल लाइब्रेरी विथ हंड्रेड परसेंट सिक्स ईयर्स ऑफ लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे और थर्टी थाउजेंड प्लस क्वेश्चन बैंक मिलेगा जो आपको पूरी ऑफलाइन टीम सपोर्ट करेगी ताकि छह साल के अंदर आप जब बाहर आओ तब उस एग्जाम के लिए रेडी हो यह आपको दस साल का चार्ट दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर आप देख लो क्या हालत हुई है एफ में ठीक है करीब करीब लास्ट दस साल में एक लाख पच्चीस हजार डॉक्टर्स बनने को फॉरेन गए सबने अपने सपने वहां पे निक लगाए प, पेरेंट्स ने 25-30 लाख रुपया लगाए बच्चों ने अपना छः साल लगवाया और एंड में रिजल्ट सिर्फ उसमें से पच्चीस हजार लाइसेंस फिजिशियन बन पाए हैं बाकी के करीबन नाइन्टी फाइव थाउजेंड टू वन लैक डॉक्टर्स रह गए जिसके पास डिग्री है वॉल के ऊपर लगा के अब देखते रहते हैं काम पेशेंट को हाथ नहीं लगा पाओगे अगर आपने नेक्स्ट पास नहीं किया तो पेशेंट को हाथ नहीं लगा पाओगे क्या आपको डिग्री होल्डर डॉक्टर बनना है या एक लाइसेंस फिजिशियन जो प्रैक्टिस कर सकता है पेशेंट को हाथ लगा सकता है अपने सपने को काटो मत अपने सपने को एम तक लेके जाओ यूएसएमएल पढ़ो ड्यूरिंग योर एम बी बी एस पी जी इन यूएसए करो बट अगर आप उतना बड़ा नहीं सोच सकते तो छोटा सोचो एटलीस्ट लाइसेंस लाइसेंस एग्जाम जो इंडिया की है उसकी तो प्रिपरेशन करो एक छोटे से एजेंट के पास जाओगे वो एडमिशन एजेंट आपको अंदर डाल देगा आपके पच्चीस लाख तीस लाख गए मोक्ष के पास आओगे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है एनएससी पे लिस्टेड कंपनी है वो आपको न तो सिर्फ अंदर डालेगी बट आपको निकालने के भी गारंटी देती है बस यही एक करियर प्लानिंग का पूरा कंसेप्ट है जो हजारों लोग इतने बच्चे क्यों मोक्ष के पास आते हैं चाहे रशिया जाना है चाहे जॉर्जिया जाना है चाहे कजाक जाना है चाहे इजिप्ट जाना है चाहे नेपाल जाना है क्यों बच्चे इतने जाते हैं पूरे के पूरे इंडिया से मोक्ष इज गॉट प्रेजेंस इन थर्टी प्लस सिटीज हर जगह पे एक ही चीज है सर आप सिर्फ अंदर मत घुसो बाहर भी निकलने का रास्ता पहले से बनाओ आपको इनफैक्ट मैं बता दूं अगर आप बड़ा सोच सकते हो तो हम कंसल्टेंसी चार्ज भी नहीं लेते ठीक है थैंक यू गाइस